बच्चों, आज की कक्षा में हम अपने इस गणित विषय में उसी कार्तीय तल के चैप्टर से संबंधित हम प्रश्नों का अध्ययन करते चले आ रहे हैं। कभी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखे, कभी हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना सीखे, कभी हम उसी त्रिभुज के तीनों बिंदुओं के आधार पर संरेख निकालना सीखे, संरेख सिद्ध करना भी सीखे हैं। और संरेख सिद्ध करने के बाद हम पुनः लौट कर आते हैं अपने उसी बिंदु पर जहाँ से वो तीन बिंदु से होकर एक त्रिभुज का निर्माण किया जाता है। सवाल है हमारा उसी त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आधारित कुछ और भी महत्वपूर्ण सवाल हैं, वो हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में बनेगा, जो हमारे पाठ्यक्रम में चार नंबर के क्वेश्चन या तीन नंबर के क्वेश्चन उभर करके बाहर आएगा। आइए हम इस प्रश्न को लिखते हैं और इसके बाद पुनः इसको हल करते हैं। हमारा प्रश्न एक होगा, लिखिए, एक त्रिभुज के शीर्ष 0, -1 2, -1 तथा 0, -3 है। 0, -3 है। उस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए पूर्ण विराम, खड़ीपाई लगाएंगे आप। एक प्रश्न तो हमारा यहीं पूरा हो जाता है। दूसरा प्रश्न कहता है, इसी के आगे लिखिए, इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, ध्यान से हम देखेंगे, हमारा एक प्रश्न जो दिया गया है वो ये है कि एक त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो आइए हम एक त्रिभुज बनाएं, हल करेंगे हम लोग। बहुत ही ध्यान से देखेंगे, यह लॉन्ग क्वेश्चन है, 2-3 बार हम श्यामपट्ट पर मिटाने के बाद तब लगा पाएंगे। एक त्रिभुज है तो हल में लिखेंगे, माना त्रिभुज ABC है जिसके शीर्षों के निर्देशांक 0, -1 2, -1 और 0, -3 है। आप इस तरह से एक चित्र बनाएंगे, ABC एक त्रिभुज होगा जिनके तीनों शीर्षों को आप इस तरह प्रदर्शित करोगे। इसके बाद क्या करेंगे? सवाल हमारा कहता है कि इन त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, मान लीजिए कि इस AB का मध्य बिंदु P है और AB का मध्य बिंदु P है, BC का मध्य बिंदु Q है और AC का मध्य बिंदु R है। कहता है सवाल कि इस मध्य बिंदु को मिलाने से भी एक त्रिभुज बन रहा है। मध्य बिंदु को मिलाने से जो त्रिभुज बन रहा है, उस बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इस छोटे त्रिभुज का, जो मैं इसे रेखांकित कर दूं, जैसे इस तरह से हम इसे घेर दूं, रंग दूं। कहता है इस छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो।
और दूसरा सवाल जो कहता है वो ये कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ उसका अनुपात भी ज्ञात करो। अब हमको पूरे इस चैप्टर का समरी ले आना है। यहाँ हम सबसे पहले ए बी का मध्य बिंदु का निर्देशांक पी का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। यहां लिखेंगे ए बी का मध्य बिंदु, ऐसे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में ए बी का मध्य बिंदु पी है। अतः पी का निर्देशांक बराबर होगा कोष्ठ में x1 प्लस x2 बाई 2 कामा y1 प्लस y2 बाई 2। हम लोग मध्य बिंदु का सूत्र देख चुके हैं पहले, और मध्य बिंदु का सूत्र इसी प्रकार से होता था। आइए हम यहाँ अब अलग अलग फरकट नहीं करेंगे। यहाँ पर देखें x1 y1 x2 y2 इन्हें मानेंगे, फिर क्या होगा प्यारे बंधु, 0 प्लस x2 का मान 2 बटा 2 कामा ऋण 1 और प्लस 1 बटा 2। इन्हें हल करेंगे आप पाएंगे क्या, 2 बटा 2 कामा 0 बटा 2। आप 2 से 2 कटा दो के पी का निर्देशांक क्या मिला, 1, 0। इस पी का निर्देशांक हो गया 1, 0। आप एक चीज यहां बना दोगे। अब आ जाओ हम दूसरी ओर चलते हैं, ध्यान से दूसरी ओर जाएं, क्यू के निर्देशांक लिखें, इसी लिख देंगे यहां। इसी प्रकार क्यू के निर्देशांक बराबर क्या होगा, फिर वही काम x1 प्लस x2 बाई 2 कामा y1 प्लस y2 बाई 2 के हिसाब से। आ जाइए यहाँ x1 के लिए 2 लिखिए, x2 के लिए 0 बटा 2, y1 के लिए 1 प्लस y2 के लिए 3 बटा 2। प्यारे बच्चों 2 बटा 2 कामा 4 बटा 2 कटी कुटा करेंगे 1, 2, 1, 2। इस क्यू का निर्देशांक आपका क्या हो गया, 1, 2 हो गया। अब हमको आर का निर्देशांक निकालना है। इसी प्रकार आर का निर्देशांक बराबर क्या होगा, आर का निर्देशांक बराबर होगा वही सूत्र पहला, x1 बाई x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2 का प्रयोग करेंगे। देखते रहोगे बराबर होगा x1, देखो यहाँ, यहाँ से जाओ यहाँ, आ चाहे यहाँ से आओ यहाँ, कोई फर्क नहीं उठता, 0 प्लस 0 बटा 2, देखो x1 x2 दोनों 0 हैं। अब प्लस ना कामा y1 y2 ऋण 1 धन 3 बटा 2 बराबर, आओ यहाँ 0 बटा 2 कामा 2 बटा 2 क्या मिला भाई, यहाँ 0 मिला और यहाँ 1 मिला, कट करके 1 मिला, अर्थात R का निर्देशांक हो गया 0, 1। इस प्रकार से अभी तो हम लोगों ने बहुत छोटा सा काम किया है, इन पी क्यू आर के निर्देशांक निकाले हैं जो ए बी बी सी और ए सी का मध्य बिंदु है, इन्हें आप निकाल लें। यहाँ पर एक चीज़ और छोड़ लिख लीजिए, ये बी सी का मध्य बिंदु है, बी सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु कौन सा है,
क्यू है, क्यू है, क्यू लिख दीजिए। इसलिए क्यू के निर्देशांक हो जाएंगे और यहाँ पर लिख दो ए सी का मध्य बिंदु, ए सी भाई वहाँ से ख़त्म हो गया, ए सी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु आर है। आर का निर्देशांक निकाल लेंगे हम लोग, बना लीजिए पहले इन्हें विधिवत। अब हम लोग देखिए पी क्यू आर का निर्देशांक हम प्राप्त कर लिए हैं। पी क्यू आर का निर्देशांक प्राप्त करने के बाद जब हम पी क्यू आर का निर्देशांक प्राप्त कर लेते हैं तो इसके बाद जो है अब हम इस पी क्यू आर के निर्देशांक बिंदु प्राप्त कर जाने पर अब हम एक अलग जगह फिगर बना लें रफ पर। ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर, यही ना है पी क्यू आर। अब हम पी के निर्देशांक यहाँ लिख लें 1, 0 अपनी सुविधा के अनुसार। क्यू का है 1/1, 2 और आर का है 0, 1। अब हम लोग निकाल लेंगे इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है। तो देखो यहाँ त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर कौन सा सूत्र लगाओगे भाई? सबको पता है 1/2 x1 देन y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 - y2। ये हो जाएगा यहाँ। अब इस काम को करने के लिए फिर हमें लंबा प्रोसेस नहीं, अब हम लोग x1 x2 x3 y1 y2 y3 सब निकालना जान गए हैं। सीधे अब हाथ रखें और लगाते जाएं 1/2 (x1) माने 1, कोष्ट में y2 माने 2, y3 माने 1 प्लस x2 आ जाइए। अब हाथ रखिए 1, गड़बड़ लग रहा हो तो हाथ रख लेते हैं 1, फिर हो गया y3 - y1, y3 कहाँ है 1 - 0 प्लस x3 कहाँ है 0, कोष्ट में y1 - y2 0 - 2 देन ब्रैकेट्स बंद। अब आप 1/2 में से 1 गया और 1 का गुणा करोगे 1 पाओगे। आप प्लस 1 का गुणा यहाँ 1 में कर दोगे, 0 का कोई मतलब नहीं, 1 पा जाओगे और ये वाला 0 हो गया। कितना आसान रहा इस त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल 1/2 (2) 1, 1, 2, 2 से 2 भाग गया बराबर आया 1^2। प्यारे बच्चों इस पी क्यू आर का क्षेत्रफल यहाँ हमको क्या मिला, 1^2 मिल गया। आपने मूल चित्र में देखो इसका क्षेत्रफल 1^2 मिल गया। एक एक तो उत्तर हमारा निकल गया, पहला उत्तर क्या, त्रिभुज के मध्य बिंदु से बना त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर क्या मिला, 1^2 मिल गया। अब हमारा सवाल इतने से ही जान नहीं छोड़ता, ये सवाल अभी ये कह रहा है कि पूरे बड़े वाले त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकालो और उसके साथ इसके साथ छोटे वाले के साथ बड़े वाले का अनुपात ज्ञात करो। तो आप पहले इसको लगा लो तो मैं फिर उसको भी निकाल देता हूँ। अब हम लोग इसके पी क्यू आर का क्षेत्रफल तो निकाल लिए हैं 1^2। अब हमारा बड़ा वाला त्रिभुज बना है, वो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। बराबर वही सूत्र लगाएंगे 1/2 (x1) फिर y2 - y3 + x2 (y3 - y1) + x3 (y1 - y2
ये बड़ा कोष्ठबंध होगा। फिर हमें मान रखने की जरूरत अलग से नहीं है, यहाँ यक्ष वन यक्ष टू यक्ष थ्री वाई वन वाई टू वाई थ्री इन वैल्यूओं को पुट कर देंगे हम यहाँ। वन बाई टू इन ब्रैकेट्स यक्ष वन के लिए जीरो, वाई टू के लिए वन, माइनस वाई थ्री के लिए थ्री, प्लस यक्ष टू के लिए टू आ जाएंगे, वाई थ्री तीन है, माइनस वाई वन, देखिए यहाँ माइनस वन पहले से पड़ा हुआ है, प्लस यक्ष थ्री आ जाइए, यक्ष थ्री भी जीरो है, और कोष्ट में क्या है वाई वन माइनस वाई टू, वाई वन है माइनस वन और वाई टू है माइनस वन, इन ब्रैकेट्स बंद हो जाएगा। वन बाई टू में ले आइए, आप क्या पाए यहाँ, ये तो सब जीरो हो गया, यहाँ पर आप टू पाए और तीन और एक चार हो गया, यहाँ कहोगे अरे अंदर खुलेगा तो प्लस हो जाएगा, आप प्लस फिर जीरो हो गया, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, वन बाई टू चार दूना आठ हो जाएगा, दो चौके आठ, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकल गया हमारा चार वर्ग मात्रक, चार वर्ग मात्रक इसका निकल गया। अब सवाल कहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। आइए कुछ नहीं करने हमको, बस सिर्फ फाइनल उत्तर लिख देते हैं हम लोग, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, यहाँ बराबर नहीं संबंध है, यहाँ एक संबंध है चार, ये आपका उत्तर हो गया। फाइनल सवाल इतना लंबा जाने के बाद तब फिर पूरा होता है, लगा लीजिए।